भाई साहब आर्चिक लेकर आए हैं अपने फेस के लिए। कुछ क्या लेकर आया बेटा? आई आय हाय छी, ये एलोवेरा लेकर आया। वैसे इसे खा सकते हैं बट इसकी जो शक्ल होती है ना वो कुछ और ही होती है। हाँ आ जाओ, मैं निकाल दूंगी। आयो नीचे आ जा बाबू, आइयो ज्यादा मत टंग। टैनिंग हो जाएगी आपको, नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ, नीचे धूप में नहीं खेलते, आ जाओ नीचे। टैन हो जाए आप, घमोरिया हो जाएंगी आपकी, पाउडर लगाना पड़ेगा नाइस सूट का। घमोरिया हो जाएंगी इनको, धूप में घूम रही है। इनको रोज रास्ता पता, रोज भूल जाती हैं ये। हैं पौधों की अपडेट दूं तो पौधे बहुत ही अच्छे से और मस्त तरीके से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बारिश आई थी ना उसने पौधों को एकदम जैसे हंसी आती है ना उस तरीके से कर दिया है। और गर्मी तो आज भी है और गर्मी तो अभी रहेगी रहेगी, गर्मी तो जाने वाली है नहीं अभी 1-2 महीने, बट मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया और पौधे भी बहुत अच्छे हो गए। चलिए आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी अपडेट आपको पौधे की दे देती हूँ। तो भाई क्यों ना शुरुआत हम इससे करें, शुरुआत हम करेंगे इससे। ये जो प्लांट है ना सुदर्शन का, ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट है। और इसके जो फूल है ना वो देखिए कितने गजब के फूल हैं। इन्हें दिखा दिखा कर तो बस जैसे मैं खुद देखती रहती हूँ ना वैसे ही आपको भी दिखाती रहूँगी। ये देखिए ये कितने सारे फूल खिले हुए हैं यहाँ पर, इसमें बंचेज में फूल आते हैं। और ये देखिए ये सारी इसकी कलियाँ आ रही हैं इस तरीके से, ये देखिए ये सारी कलियाँ हैं इसकी। और ये बहुत सारी कलियाँ अभी उगती जा रही हैं इसके अंदर, ये देखिए उगती जा रही हैं इसके अंदर। छोटी छोटी सी कलियाँ जो आपको दिख रही हैं ना, ये कलियाँ हैं सारी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कली। और जो बंच होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और इसकी जो खुशबू होती है, खुशबू तो जितने ये खूबसूरत फूल है ना उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत इसकी खुशबू होती है। मदहोश हो जाता है मन और बहुत ही अच्छा लगता है। और चलिए इस तरफ ले चलती हूँ आपको। ये देखिए ये मेरी जो है सनफ्लावर है ये, और सनफ्लावर की जो बड़ है वो आ रही है और बंदर छोड़ देगा तब है। तो अच्छे से बड़ आ रही है इसकी, जब तक फूल नहीं खिलेगा ना जब तक शायद कुछ नहीं कहेगा इसको बंदर। थोड़ा सा फूल खिल जाएगा, इसके अंदर बीज बन जाएगा, तो बस बीज बनते ही बंदर इसको नहीं छोड़ेगा। गुलाब जो है वो खिले हुए हैं, अभी तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा तो छोटे छोटे से ही गुलाब खिल रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। ट्राइपॉड तूने ले रखा, 1 घंटा हो गया मुझे ढूंढते ढूंढते, कहाँ रखा था ये? ट्राइपॉड ना ही कटता हो मेरा। कट्टो डरा दिया मुझे, कट्टो आयु पिटेगा इतनी जोर से। पुलिस पुलिस वाले कैसे रहते हैं? वाला बन जा तो, आर्मी वाले भी नहीं। ओह माय गॉड, ये पुलिस वाले का फायरिंग है गुंडे भी नहीं। गुंडों की लाइक। ये गुंडों का है, बदमाशी का शौक ना चढ़ा जाता। सौ क्या बदमाशी का। हाँ बता तो रही, बदमाशी का शौक ना चढ़ा जाता। हाय गाइस, राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। भाई साहब दोपहर के 1 बजने वाले हैं और बस आप पूछिए मत, काम वाली आई नहीं है, सारा काम खुद ही किया, झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता बर्तन। एक बार तो कपड़े धुल के सूख चुके हैं और अभी रैक बाहर ही है और मुझे दोबारा से कपड़े सुखाने होंगे क्योंकि कंप्लीट हो गया। मैंने डिश वॉशर भी लगा दिया और लेकिन फिर भी उसके बाद भी बर्तन फिर से हो गए, मुझे ये भी करने पड़ेंगे। और आज मैंने बनाई है आलू केले की सब्जी। तो भाई साहब हम जा रहे हैं अपनी ऐनक लेने के लिए, आंखों पे ऐनक चढ़वाने के लिए। ऐनक का जो है अब दिक्कत हो रही है थोड़ी सी आंखों में, जब हम एडिटिंग करते हैं तो कई घंटे लग जाते हैं और आंखों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, यहाँ पर दर्द होता है। और जब हमने चेकअप कराया था तो थोड़ा सा नंबर आया था, वो हम ले लेते हैं एक चश्मा। चलिए बस काम ज़्यादा करना पड़ता है काम वालियों की तरह, उसमें हम थक जाते हैं। चलो काम कर करके पक चुकी हूँ मैं, काम वाली भाग जाती है। भाई कोई काम वाली हो ना तो आप बता देना मुझे प्लीज।
चलो भाई हॉस्पिटल तो हम आ गए। हॉस्पिटल मींस चश्मा लेने के लिए। चलो भाई चलते हैं। आजा। हमें पता भी नहीं है लिफ्ट है या नहीं, पता भी नहीं किया हमने। ऐसे चल देंगे, डरते नहीं है। हमारे पास मास्क है नहीं, इस बात की कोई शेक ही नहीं मार रहे हम, बट बोलते का स्टाइल ही ऐसा है हमारा। चलो भाई, इन सारे फ्रेम में से हमको छांटना है बहुत सारा कलेक्शन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना, हमें चूज करना पड़ेगा। और इधर भी है, ऐसे तो देखना बड़ा मुश्किल है। सही लग रहा है। ज्यादा ऊंचा ऊंचा से नहीं लग रहा है? ये ले लो, बढ़िया लग रहा है। ये बढ़िया है, ये ले लो, ये वाला फाइनल करते हैं। तो गाइस मुझे तो ये वाला अच्छा लगा, ठीक है यही वाला, ठीक है अच्छा फाइनल। ये सही है। तो अब फाइनल ये वाला हुआ है। पहले वाले का जो फ्रेम था ना वो बहुत खराब था, इसमें शूट नहीं कर रहा भाई साहब, इसलिए ये वाला नहीं। लेंस है दिखाओ, आपको भी दिखाते हैं, दिखा रहे तो इसमें वो लग रहा बादशाह, देखा वाओ देखा रख दे तो देखा। ना मुझे तो पता है क्योंकि मैं पहले भी आई थी यहाँ पर, यहाँ पर था। नंबर
जाइए भाई साहब। पहले कभी चश्मा लगाया है? सही है अभी तेरे से ABCD पढ़वाएंगे। अब आरजे की क्लास चल रही है ABCD की। मतलब अभी बचा जा सकता है चश्मे से, राइट? बाकी तो देखिए ठीक है। ओके ओके नहीं मिला जब भी एक्सरसाइज उसका कोई काम नहीं है तो आप जॉब जैसे बोल रहे हैं कोई आई एक्सरसाइज वगैरह जो होती है कोई जरूरत ही नहीं है मतलब। यस मैम। कॉलेज की आदत पड़ रही है तुझे? चलिए आर्ची को कोई चश्मा नहीं लगा, वो बोल रही फाइनली मेरा फ्रेम सेलेक्ट हो गया है, वो आज नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा यानी कि मंडे को। और आर्ची की आई टेस्ट ऐसे ही हमने करा दी थी, एवं कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी करा दी क्योंकि इसका मन था कि आई टेस्ट में होता क्या क्या है वो इसको दिखा दिया। तो चलिए चलते हैं। तेज धूप हो रही है।